नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन राजा मुराद, बॉलीवुड के सबसे चहेते अभिनेता। हम लोग जानना चाहते हैं इस वक्त राजा मुराद जी जिस शो में शरीक होने आए हैं, सर जी किस तरीके से ये सपोर्ट आप कर रहे हो? देखिए, जब मुझे जो ऑर्गेनाइजर हैं हिना कौसर, उन्होंने जब मुझे ये बताया कि कुछ फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को भी बुलाया जा रहा है और ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है ये सिर्फ मिस के लिए नहीं है, मिसेस के लिए भी है, मिस मिस्टर मिसेस। क्या होता है कि हमारे देश में एक रिवायत बन गई है जिसका मैं बिल्कुल हामी नहीं हूं कि अगर शादी हो गई है तो शादीशुदा जिंदगी जो है महिला के लिए वो चार दीवारी है घर की, चूल्हा है, चौका है, बच्चों की परवरिश करना है, खाना बनाना है, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी जिंदगी आगे है। आप भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकती हैं, आप भी यश कमा सकती हैं, आप भी ख्याति प्राप्त कर सकती हैं, तो उन्हें आगे आने का मौका दिया जा रहा है। तो इस बात की मेरे दिल में बड़ी कदर हुई, बच्चों को बुलाया है और जो शादीशुदा महिलाओं को बुलाया है, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। क्या होता है कि देखिए, अरमान तो सबके दिल में होते हैं, पूरे नहीं होते हैं कि अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों को बड़ा करना है, पति की सेवा करनी है, किचन संभालना है, इसके आगे भी सितारों से आगे जहां और भी हैं, अबीश के इम्तिहान और भी हैं। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसी के तहत मैं आया हूं पीठ थपथपाने के लिए। बहुत बढ़िया सर, आज मदर्स डे है और हिना कौसर भी एक माँ है, तो क्या कहना चाहेंगे? मदर्स के बिना तो इस दुनिया का तस्वीर ही नहीं किया जा सकता। और मैं सोचता हूं कि एक ही दिन मदर्स डे क्यों होता है? 365 दिन जो हैं वो मदर्स डे के हैं। मदर के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। अंग्रेजी की एक कहावत है कि द गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही क्रिएटेड मदर, कि ईश्वर अल्लाह हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने इस दुनिया में माँ को भेजा। तो माँ का जो दर्जा है वो ईश्वर के अल्लाह के बाद माँ का ही दर्जा है, उससे ऊंचा कोई दर्जा ही नहीं है। और खास तौर से हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे मुल्क भी हैं जहां जिन्होंने बहुत तरक्की की है लेकिन संस्कारों में वो हमसे मीलों पीछे हैं। वहां जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें ओल्ड होम में भेज दिया जाता है, जैसे टूटा फूटा कोई फर्नीचर होता है या कोई एक ऐसी मशीन होती है जो चलते चलते खराब हो जाती है तो उसे आप कबाड़ खाने में डाल देती हैं। तो वहां उन मुल्कों में माँ बाप को कबाड़ खाने में डाल दिया जाता है और हमारे मुल्क में कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, स्वर्ग है, यही फर्क है। और ये हमेशा रहेगा हमारे मुल्क में, संस्कार में तो हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। बस यही कहना चाहूंगा। सर, आपकी दमदार आवाज की वजह से आप 50 साल से बॉलीवुड में टिके हुए हो, कोई आपको भूल ही नहीं सकता, तो इस सफर कैसा रहा, हम लोग जानने के लिए बेताब है सर। देखिए, बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, कई बार दिल टूटा है, कई बार दिल जुड़ा है, कई बार लोगों ने हम जब काम मांगने गए तो हमारा अपमान भी किया है, हमारी आंखों से आंसू भी छलके हैं, हमें इज्जत भी मिली है। तो देखिए, ये जो होता है जिंदगी का हिस्सा है तो इसमें कड़वाहट नहीं आनी चाहिए कहीं। ठीक है, आपने परिश्रम किया है, आपने जद्दोजहद की, आपने अपने लिए किए हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव लाइन में आपको जो है उसके साथ स्वागत नहीं किया जाता, आपका फूलों के साथ हारों के साथ स्वागत नहीं किया जाता या आपके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाई जाती है। आपको काम करके अपने काम के बलबूते पे आपको फिर वो मकाम हासिल होता है जहां लोग आपको हार फूल पहनाएं, जहां आपके लिए
कारपेट बिछाएं। तो 51 साल हो गए मुझे काम करते हुए और 500 से ज़्यादा मैंने फिल्में की हैं, 19 से ज़्यादा जबानों में काम किया है। और ये इसकी वजह यही है कि जो यहाँ की जो ऑडियंस है, यहाँ के जो दर्शक हैं, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है, उन्हें मुझे बहुत प्यार दिया है, तो मैं उनका ऋणी हूँ, उनका मैं कर्जदार हूँ और वो कर्ज मैं कभी उतार नहीं सकता। सर, महानगर में आप तो अक्सर आया जाया करते हैं, तो महानगर की वो कौन सी बात है जो आपको लुभाती है? सर देखिए, महानगर जो है ये कलाकारों का प्रेमी है, और जगहों पे कलाकार को पसंद किया जाता है या कलाकारों को पूजा, कला को और कलाकारों को पूजा जाता है। जितनी इज्जत, जितना सम्मान कलाकारों को महानगर में मिलता है, मैं समझता हूं कि दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो वो एक गाना भी है ना, तुमसे अच्छा कौन है मैं, कि बंगला प्रांत जाऊं तो मैं करूं कला से प्रीत। तो कला से तो यहां प्रीत होती है, कला की पूजा होती है, और उसके अलावा बड़े अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, खाना पीना बड़ा अच्छा है, और गरीब से गरीब आदमी जो है वो 5-10 रुपए में खाना खा लेता है, जो कहीं किसी और शहर में मुमकिन नहीं। जी जी, यही कहना। सर, हमें आज भी याद है आपने जब बॉलीवुड में पहला कदम रखा था, पहला काम जब आपने किया था, 1000 रुपए मिले थे आपको, तो वो दिन आप आज भी याद करते होंगे। लाइक वो 1000 रुपए मैंने आज भी संभाल के रखे हैं। अच्छा, बहुत बहुत खूब। और सर, महानगर में आने के बाद आप क्या खाना पसंद करते हैं? सर, मैं महानगर में आने के बाद निजाम का रोल खाना पसंद करता हूँ, रॉयल की बिरयानी पसंद करता हूँ, पुचका पसंद करता हूँ, अरसलान की बिरयानी पसंद करता हूँ, और हल्दीराम की मिठाई और हल्दीराम के जो अपने नमकीन होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सर, जो उभरते हुए कलाकार हैं उनके उद्देश्य में क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है, जो अरमान होता है, जो महत्वाकांक्षा होती है, वो आसमान को छूने की होती है, लेकिन उतना टैलेंट नहीं होता। आज अगर आपको अपना एक नाम या आपको अपना एक मकाम बनाना है, आप में भरपूर टैलेंट होना चाहिए। वो सिटी लेवल या स्टेट लेवल का टैलेंट नहीं है, वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। आईने में अपनी शक्ल देकर डायलॉग बोलना अलग बात है, और कैमरे के सामने परफॉर्म करना अलग बात है। तो वो आप में बात होनी चाहिए, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं होता, वो अपनी सही वैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा। बहुत से कलाकार बाहर से आए हैं, वो बने हैं, वो धर्मेंद्र जी हों, वो मनोज कुमार हों, वो शत्रुघ्न सिन्हा हों, वो दिलीप कुमार हों, वो शाहरुख खान हों, सब बाहर से आए। आप में दम होना चाहिए, आप में बात होनी चाहिए, आप में मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, और ऊपर वाले साथ भी होना चाहिए। बस यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।